हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। सो आज की रीडिंग जो होने वाली है ये है राशिफल आप लोगों के लिए जो मैं पोस्ट करने जा रही हूँ। इसमें हम देखेंगे 21 अक्टूबर से 3 नवंबर तक आप लोगों के लिए ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है। मोस्टली हम लोग जो है आप लोगों की ओवरऑल एनर्जीज के साथ आपकी लव लाइफ पे फोकस करते हैं, प्लस आपके लिए जो जो एनर्जीज कार्ड बताती है हम आपको डिस्क्राइब करते हैं। सॉरी फंबल कर गई, सो डिस्क्राइब करते हैं इस रीडिंग को। आप कैसे कंसिडर कर सकते हैं, देखो नाम के अनुसार देखो तो ज्यादा अच्छा, लेकिन ओवरऑल अगर आप चाहें सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, लग्न राशि, डेट ऑफ बर्थ, नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि टैरो में इस तरीके से कोई एनर्जी नहीं रहती कि भाई एस्ट्रोलॉजी ये जो है आपको नाम के अनुसार ही देखनी है, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार ही देखनी है, आप जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये रीडिंग जो है पिछले 2 हफ्तों के लिए रहेगी, आने वाले जो 2 हफ्ते हैं उसके लिए रहेगी। अपकमिंग संडे में लाइव होने वाला है, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको बेल आइकन दबाकर रखना है, सब्सक्राइब करके रखना है चैनल को, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं संडे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे अटेंड कर सके, क्योंकि लाइव Q&A बड़ा मजेदार होता है, उसे मिस ना करें। मेंबरशिप क्लब के लिए स्पेशल लाइव होते हैं, उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें, वो डेफिनेटली चार्जेबल होता है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसमें क्या बेनिफिट होता है, उसमें ऐसा होता है कि इतने लाइव में इतने सारे लोग होते हैं, सबके आंसर्स दे पाना मुश्किल हो जाता है, पर मेंबर्स के ऑप्शन में आपको लगभग आंसर मिल जाते हैं। मैं जब लाइव आती हूँ तो आप लोगों को आंसर मिल जाते हैं, क्योंकि कम लोग होते हैं, समझो उसमें जवाब देना आसान होता है, ठीक है, डिटेल रीडिंग भी हो जाती है, तो इसीलिए मेंबरशिप क्लब ज्यादा बेनिफिशियल है। बट आपकी अपनी चॉइस है, आप दोनों ही ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। लाइव Q&A फ्री भी रहता है और मेंबरशिप वाला ऑप्शन भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाती है, इसी चैनल पे लाइव होता है, ठीक है। सो ये नेक्स्ट 2 वीक्स की हम लोग जो है रीडिंग आप लोगों के लिए डाल रहे हैं। यदि आपको अपने पर्सनल रीडिंग रिलेटेड अप्रोच करना है तो व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप अप्रोच करें। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, किसी भी कारणवश फ्री नहीं की जा सकती, आपको उसके चार्जेस जानने हैं तो व्हाट्सएप के DP पे ही चार्जेस लिखे रहते हैं। अगर आपको अफोर्डेबल लगे तो आप उसे बुक करवाने के लिए पे करते हैं और स्क्रीनशॉट भेजते हैं मेरी टीम को, तभी वो आपकी बुकिंग लेते हैं। उसके अलावा आपको अगर वो लग रहा है कि बहुत ज्यादा महंगा है, एक्सपेंसिव है और हमारे लिए ये अफोर्डेबल नहीं है, तो दीदी कोई और ऑप्शन, तो आप लोगों के लिए वेबसाइट का भी ऑप्शन है www.thedivinetarotonline.com, आप वहां विजिट कर सकते हैं। वहां पे भी आप अपनी तरफ से खुद कार्ड अपना जो है पिक कर सकते हैं अपने टॉपिक के अनुसार और अपनी रीडिंग खुद चेकआउट कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप जैसे चाहे वैसे उस रीडिंग को देख सकते हैं। कुछ सिलेक्टेड ऑप्शंस जो है चार्जेबल हैं, जो 99 रुपीज में ही है, जो कि मंथली सब्सक्रिप्शन चार्जेस होंगे, ठीक है। उसके अलावा मेंबरशिप क्लब में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आया आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपको क्या लगता है कि राशिफल में और क्या क्या चीजें एड ऑन होनी चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप लोग किसी प्रकार के डोनेशन करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स का इस्तेमाल करके आप डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी रीडिंग शुरू करते हैं। अब बारी है मीन राशि की, देखेंगे मीन राशि वालों के लिए 21 अक्टूबर से 3 नवंबर क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल। Page of Swords, Three of Swords, Two of Pentacles, Two of Swords. Emotional disturbance. मीन राशि वालों आप लोगों के लिए इमोशनल डिस्टर्बेंस दिखाई दे रही है, इमोशनली बहुत लो फील करोगे, बहुत ज्यादा पाथ क्रॉस रोड्स पे हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो राइट जाऊं कि लेफ्ट जाऊं, बहुत कंफ्यूजन है आपकी लाइफ में, हार्ट ब्रेक से भी गुजर रहे हो, कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस है, मतलब कोई व्यक्ति है जिसने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, किसी ने आपको हर्ट किया है, किसी ने आपको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है जहां पर आप राइट और रॉन्ग में कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, आप प्लान ही समझ ही नहीं पा रहे हो कि उस इंसान पे ट्रस्ट करूं नहीं करूं, इमोशनली बहुत लो फील कर रहे हो, लोगों से थोड़े से कटे कटे से नजर आ रहे हो, थोड़ा सा इमोशनल ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है, मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं आपको, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स है, कुछ किसी को एसिडिटी रिलेटेड या हार्ट रिलेटेड या गैस्ट्रिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को अपने खान पान में, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं आपके करियर फाइनेंस और बिजनेस में क्या एक्सपेक्टेड है, और जॉब में यूनिवर्स करियर फाइनेंस बिजनेस और जॉब में क्या एक्सपेक्टेड है मीन राशि वालों के लिए। जजमेंट, डेथ, थ्री ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्स। करियर वाइज तो मैं देखूँ तो सिचुएशन अच्छी है, बहुत से लोगों को अच्छा जॉब मिल सकता है, अगर जॉब ढूंढ रहे हो तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, ये वीक नहीं नेक्स्ट वीक आपको डेफिनेटली अच्छा बहुत बेहतरीन जॉब मिल सकता है। सेलिब्रेशन की एनर्जी बन रही है, कोई गेट टुगेदर या पार्टी वगैरह में आप जो है इंजॉय करते नजर आ रहे हैं, किसी चीज पर अगर टीम वर्क कर रहे हैं, लेट्स से कोई प्रोजेक्ट या किसी प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलने वाली है, उसमें अच्छी ग्रोथ मिलेगी आपको। यहाँ पर जो मैं एनर्जी आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, कुछ परिवर्तन, कोई काम में चेंजेस, कुछ ऑफिस में चेंजेस, भागदौड़ भी काफी ज्यादा होने देखने को मिलेगी, काम बढ़ेगा, प्रेशर रहेगा, बट आप उसे बहुत अच्छे से सेंसिबली हैंडल करेंगे, बहुत अच्छे से हैंडल करते नजर आ रहे हैं। बिजनेस में भी मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी तरीके का
आप अपने एम्प्लॉयज को पार्टी दे सकते हैं, ऐसे चांसेस है कि पार्टी वगैरह देंगे या स्मॉल गेट टुगेदर हो सकती है। और यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बिजनेस में आप जो है थोड़ा सा लाइक एक एंथुजियाज्म लाकर कुछ नए चेंजेस लाते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ नए बदलाव, कोई बड़े बड़े परिवर्तन जिसके लिए आप मीटिंग भी लेंगे, लोगों से डिस्कस करेंगे कि आपको ये चेंजेस चाहिए, कुछ नए लोगों को ज्वाइन भी कराएंगे अपनी अपने कंपनी में, कुछ नई ज्वाइनिंग्स होने वाली हैं, कुछ नई स्ट्रैटेजीज बिल्ड करेंगे और उस पर काम करेंगे, एक नया विजन क्रिएट होता नजर आ रहा है आपका। ठीक है, तो बिजनेस और जॉब के लिए सिचुएशंस अच्छी हैं, फाइनेंसिस मुझे आने वाले समय में और बेहतर होते नजर आ रहे हैं, लेकिन सेविंग्स के मामले में, सॉरी सेविंग्स नहीं, इन्वेस्टमेंट्स के मामले में कहूंगी थोड़ा सा रिस्क है, सावधानी पूर्वक आगे बढ़े, यानी कि कोई अगर शेयर मार्केट वगैरह शॉर्टकट मनी के चक्कर में हो तो भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, लेट्स सी आप लोगों के लिए हेल्थ स्टडीज ट्रैवलिंग और लीगल मैटर में क्या एक्सपेक्टेड है मीन राशि वालों के लिए, मुझे बताएं। फाइव ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक में थ्री चैरियट। जैसे कि मैंने सेहत के लिए कहा, सेहत में ना कोई देखो आपकी प्रॉब्लम दिख रही है, एसिडिटी रिलेटेड, हार्ट पेन रिलेटेड, आपके हार्ट रिलेटेड दिक्कत है। अब हार्ट में अचानक से पैनिक अटैक हो सकता है, एंजाइटी बढ़ सकती है, अचानक से कोई डाइजेशन इशू जैसे गैस्ट्रो वगैरह, गैस के वजह से ये अचानक से आपको एकदम एसिडिटी वगैरह या हार्ट में चेस्ट में पेन हो जाए, ऐसे चांसेस हैं। आपको हेल्थ को लेकर बहुत कॉशियस होना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा, और बहुत से लोगों को कहूंगी सावधान हो जाओ, पुरानी कोई बीमारी वापस लौट सकती है। पुरानी समझो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको फाइल्स रिलेटेड प्रॉब्लम थी तो वो वापस आ सकती है, कोई वेट गेन आपका पास्ट में हुआ था और जैसे जैसे आपने लूज किया और तबीयत ठीक की तो इस बार वापस से आप अपनी हेल्थ खराब कर सकते हैं। हेल्थ को लेकर बहुत कॉशियस हो जाएं बहुत ज़्यादा मीन राशि वाले। जो भी आपकी हेल्थ में हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपके मेंटल स्ट्रेस के वजह से हो रहा है। अपना खाना पीना और मेंटल स्ट्रेस कंट्रोल में रखें, नींद अच्छी करें, ठीक है, तो हेल्थ को लेकर बहुत कॉशियस रहें। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स की बात करूँ तो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, टीचर्स और आपके पेरेंट्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे जिसके वजह से आपकी स्टडीज अच्छी होती नजर आ रही हैं और साथ ही साथ रिजल्ट अच्छे होंगे। कहीं एडमिशन को लेकर चिंता है तो बहुत अच्छी जगह आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, ट्रैवलिंग रिलेटेड बात करें, अच्छी खासी ट्रैवलिंग का प्लान बन सकता है, आप कहीं घूमने जा सकते हैं, आप में से कुछ लोग नई बाइक खरीदेंगे, ऐसे चांसेस हैं कि आप कोई नई बाइक खरीदने वाले हैं और उसको लेकर काफ़ी एक्साइटेड होंगे, तो घूमना फिरना होने वाला है, घूमने फिरने के रिलेटेड ट्रैवलिंग रिलेटेड सक्सेस मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ लीगल मैटर के लिए तो लीगल मैटर वालों के लिए टेंशन की बात बन रही है। लीगल मैटर वालों को जो एग्जैक्टली अपने लाइफ में जस्टिस चाहिए वैसा जस्टिस मिल नहीं रहा है, रिजल्ट वैसे नहीं है जैसे आपको चाहिए, तो अगर लीगल मैटर की कोई डेट है तो कोशिश करो कि डेट आगे बढ़वा दो, क्योंकि ये टाइम फ्रेम ये नेक्स्ट टू वीक्स आप लोगों के लिए लीगल के मामले में अच्छे नहीं है, उसमें आपके फेवर में फैसले नहीं हो रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम देखें मैरिड लाइफ वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है, मीन राशि वाले जो मैरिड हैं उन लोगों के लिए बताएं। 21 अक्टूबर 2 नवंबर, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। अपनी मैरिज को लेकर आप टू माइंडसेट में आने वाले हैं जहां पर आपको लगेगा कि शायद आपके पार्टनर अब आपसे इतना प्यार नहीं करते जितना पहले करते थे, बहुत ज्यादा आप ओवरथिंकिंग बहुत कर रहे हैं। बेसिकली आपको अपने पार्टनर से कुछ क्लैरिटी मिल चुकी है, आपको एक रियलिटी चेक मिल गई, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर अपने काम के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में ज्यादा कंसर्न है, वो आपको लेकर इतना कंसर्न नहीं है, वो आपकी केयर नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपको अब पहले जितना टाइम नहीं दे रहे हैं, पहले जितनी आपकी वैल्यू नहीं करते या पहले जितनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आप कहीं ना कहीं उनकी किसी बिहेवियर या आप उनके किसी बात से परेशान होते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अपकमिंग इवेंट में आपके पार्टनर आपकी इस इग्नोरेंस को या इस बिहेवियर को पढ़ लेंगे, जहां पर उन्हें समझ में आएगा कि सडनली आप बहुत कोल्ड हो गए हैं, सडनली आप किसी बात से परेशान हो रहे हैं, कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है, जिसके वजह से आने वाले टाइम में यानी कि 2 हफ्तों के बाद वाले टाइम में दिखाई दे रहा है कि सडनली आपके पार्टनर आपको ध्यान देना शुरू करेंगे, प्यार देना शुरू करेंगे, अटेंशन देंगे, केयर देंगे और रिस्पेक्ट देंगे। ठीक है, सो मैरिड लोगों के लिए स्थिति थोड़े टाइम के लिए टेम्पररी कोल्ड हो सकती है, ठंडा व्यवहार दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेट्स सी आप लोगों के लिए अगर आप सेपरेशन फेस कर रहे हैं तो क्या एक्सपेक्टेड है, मीन राशि वालों के लिए मुझे बताएं। सेपरेशन जो मैरिड लाइफ में सेपरेशन फेस कर रहे हैं उन लोगों के लिए मुझे बताएं क्या एक्सपेक्टेड है। जो अपनी मैरिज में सेपरेशन फेस कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट नहीं बोल रही हूँ मैं, ठीक है। सो मीन राशि वालों जो सेपरेशन फेस कर रहे हो, आप लोगों के लिए मैंने जैसे कि लीगल के लिए मैंने पहले ही कहा ये टाइम अच्छा नहीं है। आप होपफुल बहुत होंगे, आप ट्राई अच्छा करेंगे कि चीज़ें बेहतर हो जाए, बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर थोड़े स्टबन एनर्जी में नजर आ रहे हैं,
प्लस आपके दोनों के बीच में एक न्यू एंट्री दिखाई दे रही है। अब ये पार्टनर की लाइफ में है या आपकी लाइफ में, वो आप ज्यादा समझदार हैं, जानते हैं। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ओल्ड बिहेव कर सकते हैं और कहीं घूमने जाएंगे, जिससे आपको अपसेट होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये व्यक्ति आपको मिस नहीं करेंगे और एकदम नॉर्मली अपनी जिंदगी में एकदम कैजुअल हो जाएंगे। आप उनकी एक्टिविटी से, उनके बिहेवियर से बहुत हर्ट हो रहे हैं। देर आर चांसेस कि आपके पार्टनर किसी को डेट करेंगे, ठीक है, जिससे आप बहुत हर्ट होंगे, बहुत ज्यादा। बंदा बंदी, स्त्री पुरुष जो भी हैं, आपके पार्टनर किसी नए व्यक्ति को अपने जीवन में ला रहे हैं, जिससे ये सेपरेशन में और आपके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। यूनिवर्स मुझे बताएं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, सॉरी पहले हम लव लाइफ देखेंगे। जो लोग इन कॉन्टैक्ट है, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, जो कॉन्टैक्ट है, यूनिवर्स मुझे बताएं, मीन राशि वालों के लिए बताएं, जो इन कॉन्टैक्ट है उनकी लव लाइफ में मुझे बताएं क्या एक्सपेक्टेड है। एट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उन लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है। देखो, आप अपने काम में बहुत व्यस्त नजर आ रहे हो, बहुत ज्यादा। आप पार्टनर को भी मैनेज कर रहे हो बट काम में आप ज्यादा बिजी हो, ठीक है, काफी ज्यादा आप बिजी दिखाई दे रहे हो। आप अपने पार्टनर को लेकर कहीं ना कहीं आप अपसेट हो अपने पार्टनर के बिहेवियर से। आपको लग रहा है आपके पार्टनर सडनली ना अपनी प्रायोरिटीज बदल चुके हैं, उनकी सडनली माइंडसेट चेंज हो चुका है। अभी उन लोगों के लिए उनके लिए कोई और ही इंपॉर्टेंट हो गया है। कल तक आप ही उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की वंस अगेन बात कर रही हूँ, कल तक आप ही थे जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, बट पिछले कुछ टाइम से सडनली आपके पार्टनर का माइंडसेट चेंज हो गया है और उनके लिए कोई और ही बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। सडनली वो जो है बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रहे हैं और आपको ऐसा फील हो रहा है, अंदर से फीलिंग आ रही है, जिसकी वजह से आप भी उन्हें इग्नोर कर रहे हैं रिटर्न में। आपको लग रहा है इट्स बेटर कि आप उन्हें ध्यान ना दें क्योंकि आप हर्ट होने से डर रहे हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी इशू है, आपके पार्टनर किसी नए व्यक्ति से मिल रहे हैं, नए व्यक्ति से बात कर रहे हैं, किसी नए पर्सन से बात कर रहे हैं। आपको ये अंदर से ही इंट्यूशन आना शुरू हो चुका है कि समथिंग इज रॉन्ग, आपके पार्टनर कुछ गलत कर रहे हैं। आपको अंदर से वाइब आ रहे हैं, ऑलरेडी आपको फीलिंग आ रही है, बट आप इन्हें इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आपके पार्टनर आपके मुंह पे बहुत अच्छे हैं, आपके लिए मैनिपुलेटिव एनर्जी में अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, बट आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इस कनेक्शन में कुछ गड़बड़ सी लग रही है, ठीक है, गड़बड़ सच में है, आपका इंट्यूशन आपको सही बता रहा है, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए मुझे बताएं क्या एक्सपेक्टेड है 21 अक्टूबर 2 नवंबर, मीन राशि, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, डेविल, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उन लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है आप थर्ड पार्टी से बहुत परेशान होंगे, बहुत ज्यादा आप थर्ड पार्टी को लेकर इरिटेट हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर के लिए दूसरे लोग इतने इंपॉर्टेंट है कि वो आपको वैल्यू ही नहीं कर पा रहे हैं। वो आप उनका प्यार चाहते हैं बट आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति अब आपकी तरफ देख ही नहीं रहे, उनके लिए दूसरे लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। कहीं ना कहीं आप पिछले कुछ टाइम से तो बहुत ट्राई कर चुके हैं उनसे दूर रहकर, पर अब आप उनके लिए बहुत ज्यादा एक तरीके की तड़प आपके अंदर दिखाई दे रही है। इनको लेकर आप कहीं ना कहीं उनको लेकर बहुत क्रेजी एनर्जी में नजर आ रहे हैं। आप उनके बारे में सोच भी रहे हैं बट गुस्सा भी बहुत हो रहा है, ऐसा लग रहा है आपको गुस्सा भी उनके ऊपर बहुत आ रहा है। आप उनसे नफरत भी कर रहे हैं पर एट द सेम टाइम उनसे प्यार भी करते हैं, काफी मिक्स एनर्जी है, बट आप थर्ड पार्टी से बहुत परेशान है। अपने पार्टनर और आपके बीच में जो तीसरा व्यक्ति है उसको लेकर आप बहुत अपसेट है, बहुत ज्यादा। तो नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए सिचुएशन में कोई चेंजेस तो नहीं दिख रहे, देखें आपके पार्टनर की फीलिंग एंड एक्शन क्या है। यूनिवर्स मीन राशि वालों के लिए 21 अक्टूबर 2 नवंबर, उनके पार्टनर की फीलिंग एंड एक्शन क्या है। Ten of Pentacles, Knight of Wands, the Moon. Yes, yes, definitely, definitely. मीन राशि वालों, इतना लोगों के किसी भी राशि में इतना नहीं आया जितना आपकी राशि में ऐसा आया है कि आपके पार्टनर जो हैं इस रिश्ते पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपके अलावा दूसरों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, कोई दूसरे लोग हैं अपनी। देखो, बहुत से सिनारियोज यहाँ पर बन रहे हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत स्ट्रांगली है। अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है तो सडनली वो अपनी फैमिली को बहुत फोकस कर रहे हैं और आपको साइडलाइन कर रहे हैं और सडनली उनकी प्रायोरिटी चेंज हो गई, अब उनकी फैमिली उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। बहुत से लोगों के लिए उनके पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, वो अपने पेरेंट्स के हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति अपने आप को मजबूर बेबस मान रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि ये आपके लिए चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते और ये अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, आपके लिए अप्रोच कुछ नहीं कर रहे हैं, और इसी चीज से आप बहुत हर्ट हैं, इनके इसी एक्शन से आप बहुत हर्ट हैं कि ये व्यक्ति लाइक कहीं ना कहीं जो इनिशिएटिव, जो एक्शंस लेने चाहिए वो ले नहीं रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो चीजें ठीक होनी चाहिए वो ठीक नहीं हो रही है, जिससे आप बहुत अपसेट हैं, बहुत ज्यादा। थर्ड पार्टी इश्यूज, जैसे कि मैंने कहा, आप किसी थर्ड पर्सन को लेकर बहुत अपसेट हैं, बहुत ज्यादा। आपके पार्टनर उनको चुनते हुए नजर आ रहे हैं और आपको साइडलाइन कर दिया है, आपको साइड कर दिया उन्होंने, कहीं ना कहीं वहां ये नई शुरुआत कर रहे हैं पर आपके साथ नहीं, आपको नहीं देख रहे हैं, जिससे आप बहुत अपसेट हो रहे हो। तो देयर इज नो एक्शन इस वक्त, तो 2 हफ्ते तक कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा है। यूनिवर्स सिंगल वालों के लिए बताएं, जो मीन राशि वाले सिंगल हैं उन लोगों के लिए बताएं 21 अक्टूबर टू 3 नवंबर,
पेज ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। सिंगल्स अगर शादी वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हो तो यार देखो ऑफर जरूर मिलेगा पर एक्सेप्ट करने का मन नहीं करेगा। अच्छा अपॉर्चुनिटी अगर ट्राई कर रहे थे, ऑफर मिलेगा पर एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि कुछ चीजें समझ ही नहीं आएंगी, लॉजिकल नहीं लगेगी। यहाँ पर ओवर थिंकिंग दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ओवर थिंकिंग करोगे और मना कर दोगे, या तो ध्यान कम दोगे उस व्यक्ति को, कोल्ड हो जाओगे उस व्यक्ति के साथ, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। जिसको पसंद करते हो, अगर कोई एक तरफा प्यार है, क्रश की एनर्जी है, तो उस एक तरफा प्यार के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सडनली लगेगा आपको कि वो व्यक्ति जो है आपके साथ वो नहीं चाहता, वैसा रिश्ता नहीं चाहता जैसा आप चाहते हो, या वैसा नहीं चाहती जैसा आप चाहते हो। यानी कि आपकी दृष्टिकोण अलग है, देखने की नजरिया अलग है और इस व्यक्ति का नजरिया अलग है। आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि ये व्यक्ति आपके बारे में वैसा नहीं सोच रहा या वैसा नहीं सोच रही जैसा आप सोच रहे हैं। प्लस आपको लग रहा है कि आप इस व्यक्ति के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड है पर वो व्यक्ति इतना थोड़ा सा कोल्ड बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, थोड़ा सा रूड है, थोड़ा सा कोल्ड है, ध्यान नहीं दे रहे हैं आपकी तरफ, जिससे आप बहुत कहीं ना कहीं बुरा मान रहे हैं। आपको लग रहा है कि यार ये व्यक्ति क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हार्ट ब्रेक। तो मैंने आपको तुरंत ही स्टार्टिंग की ही रीडिंग में बताया कि आप इमोशनली हार्ट ब्रेक लो फील कर रहे हैं, आपको मेजर भयंकर ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, लोग आपको कहीं ना कहीं लव में, रिलेशनशिप में आपको बहुत सफर करना पड़ रहा है, तो ऐसी एनर्जी बन रही है। जो लोग कम्प्लीटली सिंगल हैं, जिनका कोई रिलेशनशिप का स्ट्रेस नहीं है, शादी वादी नहीं करनी है, उन लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इंटरेस्टेड होंगे इस टाइम पे कि आपकी लाइफ में कोई आ जाए, आपकी लाइफ में कोई आपको पसंद करे या आप किसी को पसंद करें। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपके फ्रेंड्स वगैरह को देख के कि यार सब मेरे फ्रेंड्स वगैरह की लाइफ में कोई ना कोई है पर मेरी लाइफ में कोई नहीं है, तो आपकी इच्छा होगी। हालांकि अभी आप किसी के साथ आगे बढ़ते नजर नहीं आ रहे, कोई नई कहानी नहीं नजर आ रही, बट हाँ इच्छा आपकी जरूर होगी कि आप किसी रिश्ते में आ जाएं। ठीक है, लेट्स सी अब आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है, मीन राशि वालों के लिए एडवाइस मुझे बताएं क्या है। सन, फाइव पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स। आपके लिए एडवाइस ये है कि आपकी लाइफ में अभी डेफिनेटली आपको बहुत प्यार की कमी महसूस करनी पड़ रही है, तकलीफ हो रही है, पेन है, इमोशनल डिस्टर्बेंस है, बट बहुत जल्द आपकी जिंदगी में एक लविंग केयरिंग रिलेशनशिप एक्सपेक्टेड है। आपकी लाइफ में लव आ रहा है, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रही है। जो आपके साथ गलत कर रहे हैं वो सॉरी फील करेंगे, जो आपके साथ गलत कर रहे हैं वो सॉरी फील करेंगे। यूनिवर्स आपको कह रहा है जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने आप को इमोशनली लो फील मत कराओ। ठीक है, आप अपने आप को भरोसा दिलाओ कि सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट करो यूनिवर्स पे, आपके साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बस इमोशनल ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो रही है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें, मेडिटेशन करें, वॉक करें, आप ही कर सकते हैं, थोड़ा अपने आप को संभालने की कोशिश करें, पॉजिटिव अफर्मेशन वगैरह सुने ताकि बेटर फील कर सके। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के लिए लकी कलर्स होंगे सिल्वर कलर, ब्लू कलर और वाइट कलर, कुछ लोगों के लिए येलो कलर, यस आपके लिए येलो कलर भी होंगे। और उसके अलावा आप लोगों के लिए लकी डेज होंगे संडे का दिन, और उसके अलावा ट्यूसडे का दिन और सैटरडे का दिन, ये डेज आपके लिए लकी रहेंगे। लकी नंबर्स रहेंगे नंबर 7, नंबर 3, नंबर 14, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 9 और नंबर 1। ठीक है, ये नंबर्स लकी रहेंगे। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, मीन राशि वालों रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पर मौजूद मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।